क्या आपके स्किन में समय से पहले ही फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखने लगी है और आप पाना चाहते हैं जवान और खूबसूरत रिंकल फ्री टाइट स्किन, तो आज का ये DIY पपाया सीरम ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक पपाया को अच्छे से थोड़ा सा मतलब काट करके पील करके लेना है, उसको कद्दूकस कर लीजिए और इस तरीके से उसका आपको रस निकाल लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक कटोरी में एक चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चम्मच ग्लिसरीन और उसके साथ साथ एक विटामिन ई की कैप्सूल ले लीजिए और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल ऐड कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पपाया जल, पपाया का रस डाल करके धीरे धीरे इसको मिक्स करिएगा। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर मिलेगा, एकदम से बेस्ट सीरम रेडी हो जाता है। इसको आराम से आप किसी भी इस तरह की कांच की शीशी में लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रीज में रखिए और जब भी लगाना हो कोशिश करें रात में लगाएं बेटर रिजल्ट के लिए। कुछ ही दिन में आपका स्किन एकदम से बहुत ही टाइट टाइट सा फील होगा, यंग दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। ट्राई करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्लर में जाकर के लोग हमेशा फुल बॉडी पॉलिशिंग कराते हैं और इसका सीक्रेट आपको कभी भी पार्लर वाले नहीं बताएंगे कि क्या है उनका सीक्रेट, किससे उसका बॉडी झरक बिल्कुल ग्लास शाइन की तरह क्रिस्टल क्लियर जना चमक आता है। तो आज मैं आपके साथ पावरफुल डिटैनिंग पैक शेयर कर रही हूँ, इसको लगाते ही आपके बॉडी में एकदम से चमक आ जाएगी। इसके लिए आपको लेना है एक चम्मच व्हीट फ्लोर यानी गेहूँ आटा, एक चम्मच कॉफ़ी, एक चम्मच चीनी और इसमें शहद ऐड कर दीजिए एक चम्मच। फिर आपको दूध लेना है और दूध कच्चा दूध लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ही बेहतरीन आपका पावरफुल डिटैनिंग पैक रेडी हो गया। इसको आपको जहाँ मन करे फेस पे, हाथ पे, गर्दन पे लगाइए और इसको 10 मिनट छोड़ करके अच्छे से इसको मसाज करते हुए, रब करते हुए कपड़े से हटा दीजिए और उसके बाद रियली में आपके दोस्तों आपके फेस से टैनिंग और ब्लैक हेड्स वगैरह की समस्या खत्म हो जाएगी, एकदम से ग्लास शाइन की तरह आपका फेस चमक उठेगा। ट्राई जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। ओह माय गॉड, वायरल हो रही ये रेमेडी को मैंने ट्राई किया और इतना परफेक्ट, इतना बढ़िया वाला रिजल्ट मिला, मतलब मैं चौंक गई दोस्तों। आप भी इस वाले रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आपको लेना है सबसे पहले एक टमाटर, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद जो पल्प बचता है उसको निकाल लीजिए कटोरी में और वहां पर आपको ऐड करना है एक चम्मच कॉफी, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शैम्पू डाल दीजिए कोई सा भी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और नींबू का रस उसमें गाड़ करके अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देना है दोस्तों। बेस्ट DIY ये है ना, डिटैनिंग फॉर्मूला होता है ये, आप अपने हाथों पे, पैरों पे, जहां पे भी मन करता है वहां पे लगाएं और रिजल्ट देकर के आप चौंक जाएंगे। लगा करके आप कम से कम 5 मिनट तक छोड़ दीजिए, 5 मिनट के बाद इसको आप अच्छे से रब कर दीजिए जब ये ड्राई हो जाए और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मसाज करते हुए इसको जो है ना धो लीजिए। रिजल्ट देकर के रियली में आप चौंक जाएंगे, बहुत ही बेस्ट है ये।